हाय नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रिसर्च स्टोरी में। तो दोस्तों, ससुर और बहू का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन जब इसमें कुछ नई खिचड़ी पकने लग जाती है तो हो जाते हैं बड़े बड़े कांड। तो ऐसा ही होता है, अवैध संबंध ससुर को हो जाता है बहू से प्यार, अवैध संबंध होते हैं और बाद में एक इंसान की होती है हत्या। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, ये घटना है राजस्थान के अलवर की। तो वहां एक विक्रम नाम का लड़का, राजस्थान में एक जिला है अलवर, वहां रहता था। उसका 8 साल का लड़का, पत्नी और उसका पिता, पिता की उम्र लगभग 52 साल थी और बेटे की उम्र थी लगभग 30 साल। आराम से हंसी खुशी वो परिवार वहां रह रहा था। लेकिन क्या होता है, एक दिन दरवाजे पर उसकी बेहोश अवस्था में विक्रम जो होता है लड़का, 30 साल का जो होता है, वो बेहोशी बेहोश हालत में पड़ा होता है। तो अब उसकी पत्नी उसे देखती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, उसे हिलाती है धुलाती है, लेकिन वो बेहोश था। तो जैसे ही वो रुके मचाती है तो लोग उसे आके उठाते हैं, गांव के लोग अड़ोस पड़ोस से आते हैं और उसे उठा के तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है और कहता है कि कोई चीज़ इसके सर में लगी है और सर में चोट लगने से खून इसके दिमाग में चला गया, इसी कारणवश इसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से लोग उसे गांव में ले आते हैं। गांव में लाने के बाद में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही उसका जो भांजा था 8 साल का, मतलब विक्रम का साला, वो भी वहाँ आया होता है, वो अपने भांजे को गोद में उठाए रखता है। तो वो जाता है अपने जीजा के पास और नज़दीक जाके देखता है कि भाई, जीजा के सिर पे हाथ रख के थोड़ा सहलाने लगता है तो उसकी नज़र पड़ती है उसकी गर्दन पे। तो गर्दन पे एक निशान होता है, उस निशान को देखकर वो सोचता है कि यार ये कुछ, ये सर में चोट लगने से नहीं, इसका मुझे लग रहा है कि इसकी शायद मौत हुई हो। तो वो चुपके से फोन पे पुलिस को इत्तला कर देता है। पुलिस वहां आ जाती है और जी पुलिस उसका पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाती है, उसकी डेड बॉडी को। तो वहाँ जाके पोस्टमार्टम में आता है कि इसके इसका गला घोटने से इसकी हत्या हुई है। तो जी गांव के अंदर लोगों से वो पूछती है, उनके घर वालों से पूछती है कि भाई किससे तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं चलता। फिर पुलिस उसके पिता और बहू को शक के दायरे पे पूछताछ करती है और जब पूछताछ सख्ती से करती है तो बात निकल के आती है कि उसका पिता बताता है कि मेरे सिर में दर्द था, मैंने एक दिन अपने लड़के से कहा कि विक्रम से कि भाई मेरे सर में तेल लगा दो। तो जी विक्रम ने कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी जो है ये बहू लगा देगी। तो बहू उसके सर में तेल लगाने लगी। उसके पिता की एज लगभग 52 साल है, तो सर में तेल लगाते हुए वो धीरे 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 उसके साइड में मतलब आकर्षित हो गई उससे। तो फिर क्या होता है, वो उसकी जो उसके पिता था, उसका पिता था विक्रम का, यानी कि विक्रम की माँ, लगभग 4 साल पहले
उसकी मौत हो गई थी। तो पिता सिंगल था, इस वजह से उन दोनों के बीच में, ससुर और बहू के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है, और धीरे 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 उनके अंदर अवैध संबंध हो जाते हैं। तो क्या होता है, एक दिन रात को दोनों नग्न अवस्था में विक्रम उन्हें देख लेता है, और विक्रम किसी से बताता नहीं है। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि भाई विक्रम को लग गया पता हमारे बारे में, तो वो प्लान बनाते हैं और उसे मार देते हैं। बहू उसके सिर में, जो विक्रम की पत्नी थी, वो उसके सर में डंडा मारती है, और उसका पिता उसका गला घोंट देता है और उसे एक इंसिडेंस का रूप देता है। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं से आदमी को बचना चाहिए, इंसान को, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। परिवार को अपने दायरे में रखना है, एक सीमित दायरे में रह के अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, बाद में उन दोनों को जाना पड़ता जेल, और जो उसका लड़का था वो भी बेचारा हो गया अनाथ लगभग। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। नमस्कार। तभी दोस्तों क्या होता है, सुबह सुबह दरवाजे पर वह घायल अवस्था में मिलता है। उसकी पत्नी उसे हिलाती है, डुलाती है, लेकिन मैं बेहोश था। पत्नी चिल्लाती है, चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को इकट्ठा कर लेती है, और फिर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि जैसे वे गिरा है, उसके सर पर चोट लगी है और उसके दिमाग में खून चला गया है, और इसी कारणवश उसकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से लोग उसे गांव में ले आते हैं और उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लोग सभी जुट जाते हैं। तभी क्या होता है, विक्रम सिंह का साला वहाँ पर आया होता है, अपने भांजे को, यानी 8 साल का जो लड़का था, उसको हाथ में, अपनी गोदी में लिए रहता है, और जी